दोस्तों हॉलीवुड फिल्म द ग्रे मैन में साउथ के सुपरस्टार धनुष भी काम कर चुके हैं और ये उनकी पहली हॉलीवुड फिल्म है और इस फिल्म में जो काम किया होगा वो तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि अच्छा ही काम किया होगा क्योंकि धनुष जो है मजे हुए कलाकार हैं, साउथ में तो सुपर हिट है ही, बॉलीवुड में भी उन्होंने रांझना की थी तो फिल्म काफी अच्छी हिट हुई थी और इन्हें उनकी एक्टिंग की तारीफ भी की गई थी। तो ये हॉलीवुड की उनकी पहली फिल्म है, देखना यही होगा कि फिल्म कैसी बनी है और इसका क्या रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। इस फिल्म का प्रीमियर रखा गया था और जहां पर सभी के सभी सितारे सूट बूट और टाई में एकदम बन ठन कर आए, लेकिन धनुष जो है वो अपने इंडियन कल्चर वाले ड्रेस में आए, सांस्कृतिक पहनावे को लेकर अपने इंडिया को प्रमोट करते हुए नजर आए, धोती कुर्ता और सैंडल में इस प्रीमियर में आए और सभी की नजर उन्हीं के ऊपर पड़ी और हाथ जोड़कर उन्होंने जो फोटोग्राफर्स थे जो मीडिया वाले थे उन सभी को नमस्कार भी कहा। हालांकि बाकी सेलिब्रिटीज जो वहां पर आए हुए थे उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो ये चीज धनुष को अलग रखती है। यही चीज साउथ के कलाकारों को बॉलीवुड के कलाकारों से बहुत ज्यादा अलग रखती है, ऊंचाइयों पर लाकर खड़ा कर देती है कि साउथ के कलाकारों में घमंड वाली चीज दिखती ही नहीं है। कुछ इक्का दुक्का घटनाएं भले हो जाती है लेकिन ऐसा घमंड नहीं दिखता है। अपने फैंस के साथ बहुत ही ईमानदारी से बर्ताव करते हैं, उनके साथ सेल्फी वगैरह लेते हैं, मीडिया वालों को घमंड नहीं दिखाते, ना ही मारपीट करते हैं और अपने पहनावे से इन्हें प्रेम है, अपने संस्कृति से जुड़ी चीजों को, अपने देश के कल्चर से जुड़े चीजों को ये बढ़ावा देते हैं, जबकि बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ऐसा नहीं करते हैं। इनका घमंड हमेशा सातवें आसमान से भी ऊपर, शायद आठवें आसमान पर होता होगा और कोई फैंस इनके पास सेल्फी लेने करीब आ जाए तो उसे धक्के वगैरह मारकर गिरा भी देते हैं, मीडिया वालों के साथ बदसलूकी करते हैं, गालियां तक दे देते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, इन्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है लेकिन कहां से सीखेंगे, इनकी पीआर एजेंसियां इन्हें ये सब बताती ही नहीं है। उन्हें लगता है कि जितना दिखावा करेंगे, जितना एटीट्यूड दिखाएंगे मीडिया के सामने, फैंस के सामने, उतनी ही डिमांड इनकी बढ़ेगी। लेकिन लोगों को जमीन से जुड़ना ज्यादा अच्छा लगता है, लोग ऐसे ही लोगों से दिल से जुड़ते हैं और अंत तक साथ देते हैं। यही चीज साउथ के कलाकारों के साथ है, फैंस और साउथ के कलाकार। ऐसा लगता है कि जब मिलते हैं तो आपस में बिछड़े हुए भाई लगते हैं, वो ट्रीटमेंट मिलती है।